भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकें अब मेजबानी हरियाणा को भी मिल गई है। इस ऐतिहासिक मेजबानी के लिए हरियाणा ने तैयारी शुरू कर दी है। सम्मेलन में 30 राष्ट्रों के अलावा 5 आमंत्रित सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली के हरियाणा भवन में G20 शिखर सम्मेलन की प्रदेश में होने वाली संभावित बैठकों की तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देशित देते हुए कहा कि यह हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि प्रदेश को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। G20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकें गुरुग्राम में मार्च में आयोजित होंगी और इसकी सफलता के लिए सभी प्रबंध समय पर सुनिश्चित करें ताकि भारत की अतिथि देवो भव के साथ हरियाणा की समृद्ध संस्कृति की अमित छाप और गुरुग्राम एक ग्लोबल सिटी का संदेश भी G20 सदस्यों को दे सके। G20 का जो समिट है और उसमें इस बार भारतवर्ष मेजबानी के लिए हम लोगों को यह अवसर मिला है तो देश भर में एक लंबा कैंपेन चलने वाला है। इस कैंपेन में हरियाणा की अपनी हमारी भूमिका, तो हरियाणा में दो बार हमें यह कार्यक्रम मिलने की योजना ऐसी बनाई गई है। पहला कार्यक्रम जो है 1 मार्च से शुरू होकर और 4 मार्च तक 4 दिन पूरी टीम यहाँ रहेगी और उसका एक थीम होगा, थीम का पूरा नाम क्या, करप्शन फ्री एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। जो सारे G20 के देश हैं उसके अतिरिक्त भी कुछ और देश भी उसमें आएंगे जिनको स्पेशल एक इनविटेशन है, तो ऐसे सब लोग बैठ करके एक बड़ी चिंता का विषय होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन को कैसे समाप्त किया जाए, तो एंटी करप्शन ग्रुप ऐसा जो होगा 3 दिन तक वो चर्चा करेगा। और जो 4th डे है उसमें स्टेट स्पेसिफिक को जैसा एक दिन मिलता है कि अपने वहाँ का कोई भी कल्चर है, अपने वहाँ की जो प्रेजेंट करनी है उनको उसमें वो दिखा सकें, तो वो सारी योजना बनाई गई है कि 3 दिन में व्यवस्थाएं कैसे रहेंगी और किस प्रकार की उनकी एयरपोर्ट से लेकर के उनकी परिवहन व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनका जो वेन्यू रखा है वो लीला होटल, ये वेन्यू रखा गया है तो वहीं 3 दिन तक रहेंगे। तो फिलहाल G20 पर मनोहर मंथन, G20 की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में प्रस्तावित है G20 की कुछ बैठकें। गुरुग्राम में 1 मार्च से 4 मार्च तक आयोजन होगा। G20 के अधिकारियों के लिए विशेष तैयारी की गई। हरियाणवी परंपरा से किया जाएगा स्वागत। गुरुग्राम में बैठकों का थीम है एंटी करप्शन। G20 में पहले 3 दिन इस विषय पर चर्चा। 4 मार्च को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा को जान सकेंगे G20 के सदस्य। कार्यक्रम के जरिए जान सकेंगे पूरा हरियाणा। परिवार पहचान पत्र का लगाया जाएगा स्टॉल।